प्रमोद मिश्रा जी, ये एक तरफ आस्था है राम मंदिर, लेकिन राम मंदिर को लेकर राजनीति भी खूब हुई। राजनीतिक दल कहते रहे नहीं साहब, नहीं हुई, खूब राजनीति हुई। अब वो पल आ रहा है जब ये सपना लोगों का साकार हो रहा है, लेकिन राजनीति और राम मंदिर का जो एक एपिसोड चल रहा है, बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू तक, वो खत्म नहीं हो रहा है। कारण इसमें महोदय कारण है कि जैसे दानव और देव ये आदिकाल से रहे हैं एएफपी, तो दानव अपना काम करता है और देव अपना काम करते हैं, तो जिनके अंदर देव बुद्धि है, अभी तक सुन रहा था स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में जैसा कि कह रहे थे, जैसा कि उस पर कई बार डिबेट जनवरी के महीने में, फरवरी में, मार्च में भी, और बीच बीच में आए दिनों रामचरितमानस के ऊपर, रामायण की चौपाइयों के ऊपर, कहां तक से यहाँ जो ये वेद कहता है सनातन धर्म का, कहता है कि ब्राह्मणों से मुखमासी बाहु राजूत्र, तो चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, चारों एक ही अंग है, ईश्वर के ही अंग है, तो यहाँ ऐसा कोई अलग नहीं। लेकिन हाँ, ये महोदय जो बोल रहे थे, ऐसे लोग जब बीच में आते हैं तो ये अलग करने का प्रयास करते हैं कि थोड़ा कैसे जाए सनातन में, कैसे जो है विच्छेद बनाया जाए, हम इसमें जाति के रूप में बंटवारा कैसे करें, पूर्ण चीज का भेदभाव कैसे डालें, तो ऐसे जो महापुरुष अंदर आते हैं, हमारे धर्म में आते हैं, तो ऐसे फिर जो है कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा ऐसे लोगों को थोड़ा दूर किया जाए, इनको दूर से दरकिनार किया जाए, क्योंकि ये लोग टीवी पे वैसे लायक नहीं होते, टीवी पे बोलने लायक नहीं होते, इनको सिर्फ और सिर्फ सनातन का विरोध करना है, सिर्फ सिर्फ जातियों में फोड़ करना है, जातियों में ऊंच नीच लेके आना है, जाति में भेदभाव डालना है, इनको यही करना होता है, बाकी और कुछ नहीं करना होता है। तो महोदय, मैं यही मानता हूँ कि जो राजनीति चलती है, ये राजनीति से अपना उन्नत चीजें करते हैं, ये वही लोग हैं जो आज से कुछ दिन पहले कहते थे राम का पुल कल्पना है, ये वही लोग हैं जो कहते हैं राम का जो पुल है, राम सेतु कल्पना है, ये ऐसे ही है, तो कुछ भी नहीं है, उसको तोड़ दिया जाए, ये वो लोग हैं, तो इनका कोई अस्तित्व नहीं होता, ये बस ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं, भगते रहते, कुछ नहीं होता। और फिलहाल यहाँ पर जो राम के भक्त है, जो जिनको राम से प्रेम है, राम की आस्था से प्रेम है, रामायण से प्रेम है, सिर्फ और सिर्फ निमंत्रण उनको ही देना चाहिए, ठीक है, उनको ही बुलाना चाहिए। आ रहा हूँ एक बार राकेश त्रिपाठी।